सतीश कौशिक के निधन से टूटी है बॉलीवुड इंडस्ट्री और सभी सतीश कौशिक के निधन का शोक मना रहे हैं। हर एक शख्स जो कि सतीश कौशिक के करीब था उसको यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है। और इसी बीच एक इंटरव्यू आया राखी सावंत का भी, जो कि सतीश कौशिक के जाने से अपना दुख मीडिया को बता रही है। यहाँ राखी सावंत का कहना ये है कि एक बेहतरीन कलाकार, एक बेहतरीन कॉमेडियन आज हम सबको छोड़कर जा चुके हैं। राखी सावंत ने आगे कहा कि सतीश कौशिक का एक बेहतरीन किरदार उनको मिस्टर इंडिया में लगता था जब वो कैलेंडर के रोल में सामने आए थे। वो बताती हैं कि इसे उन्होंने कई दफा देखा है और हर बार उनके चेहरे पर मुस्कान ही आई है। सतीश कौशिक ने ना जाने कितने ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाई और एक बेहतरीन कलाकार जो कि हम सब के बीच में नहीं रहे हैं उसका हम सबको बहुत दुख है। दोस्तों राखी सावंत आगे कहती हैं कि किसी का बुरा करना या फिर धन दौलत कुछ भी मायने नहीं रखता। ना जाने अगले पल हम हो या फिर ना हो, क्या पता अगले 5 मिनट में ही हमारे साथ क्या हो जाए। राखी सावंत ने इसका भी जिक्र किया कि उनकी और सतीश कौशिक की बॉन्डिंग कितनी अच्छी थी। जब भी सतीश कौशिक राखी सावंत से मिलते थे तो वो बोलते थे कि तूने कैसे बॉलीवुड में अपना सिक्का जमा लिया है। और राखी सावंत ये भी बोलती नजर आई कि सतीश कौशिक उनको कोई काम भी देने वाले थे, लेकिन उनके निधन के बाद हर कोई शोक में है और ना ही किसी को यकीन हो पा रहा है। आपको बता दे कि हार्ट अटैक से सतीश कौशिक 66 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। क्या कहेंगे, कमेंट सेशन में अपने विचार जरूर बताएं और कई अपडेट पाने के लिए बने रहिए चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।